अच्छा भैया, बहुजन म्यूजिक मंच के तरफ से हम बिरहा गायक हरिकेश यादव गुरु रैदास जी के जीवन परिचय पर चर्चा करना चाहता हूँ। यह देश आडंबर छुआछूत में फंसा हुआ था। उस समय बनारस की धरती पर हमारे रैदास साहब ने जन्म लिया। तो छुआछूत भरल रहे, जन्मे रैदास गुरु, जन्मे रैदास गुरु काशी की नगरिया में, जन्मे रैदास गुरु काशी की नगरिया में, जन्मे रैदास गुरु काशी की नगरिया में। कौन जन्म भइल जहां तालाब में पानी जानवर पी सकता था लेकिन आदमी पानी नहीं पी सकता था, उसी समय जन्म हुआ रैदास साहब का। तो गोदिया में लाल के तू लार कर्म माता, जब रैदास साहब का जन्म हुआ इनके माता जी का नाम कर्मा देवी बताया गया। तो रघुराम मनवा, रघुराम मनवाई फूल ना समाता, राजेश भाई उनके पिताजी का नाम रघुराम बताया गया। तो जन्मे रैदास गुरु, जन्मे रैदास गुरु काशी की नगरिया में, जन्मे रैदास गुरु। ए भैया, रैदास साहब धीरे धीरे जब सयान हुए तो 85 के लोगों को जगाने का काम किया कि धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर अपना समय बिताने का काम आप न करें। इस नाते उस बनारस के ब्राह्मण पाखंडी सोच रहे हैं क्या, बंद हो कर्म कांडी रोज चली जाए, रविदास धर्म के नाम पाखंड के खिलाफ लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, उपदेश देने का काम कर रहे हैं। तो बाभन करने लगे क्या, यही पद बाभन करे लगले लड़ाई, बाप ये मनुवादी ब्राह्मण लोग जलने लगी सत संत रैदास जी से। तब संत जी हराई दिहले, संत जी हराई दिहले ज्ञानी के गठरिया में, जन्मे रैदास गुरु, जन्मे रैदास गुरु काशी की नगरिया में। रैदास साहब और ब्राह्मणों से जब तर्क हुआ तो ब्राह्मणों को हराने का काम वही बनारस की धरती पर संत रैदास जी ने किया। इस नाते मैं कहना चाहता हूं, दोषी
कोई दुनिया में इस धरती पर भेदभाव मानेगा उससे बड़ा ढोंगी देश में कोई हो नहीं सकता। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्या संतोष दास बाटे भेदभाव माना जी।